Hey all, welcome back to my channel, My Snack Box. Today I'm back with a new recipe. Let's make this delicious paneer tikka masala. Do try this recipe at home and you all will just love it. पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और एक बटर क्यूब और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ज़ीरा और हरी मिर्च और इसे हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे अबाउट 1 कप ऑफ अनियंस और इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक कि कच्चा स्मेल ना चला जाए। नेक्स्ट अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप टमाटर और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1 कप ऑफ कैप्सिकम। इसे भी अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे मसाले जैसे कि मिर्ची, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पेपर पाउडर और इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया था और इसे हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। नेक्स्ट अभी हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे हमारे कटे हुए पनीर क्यूब्स। पनीर डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे लगभग 10 मिनट्स तक और इसे हम सर्व कर देंगे विथ सम धनिया पत्ता ऑन द टॉप। ये लीजिए, हमारा डिलीशियस पनीर टिक्का मसाला तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये बहुत ही इजी है। आप इस सब्ज़ी को रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं या फिर आप ज़ीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशंस हैं और इफ़ यू लाइक द रेसिपी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।